Praise the Lord. Hallelujah. सबको जय मसीह की खुदा खुदा आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग ने कल जिस बात को लेकर विषय शुरू किया था कि हमारा मसीही जीवन जो है वो किस तरह का होना चाहिए और हमारे जीवन से हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी को ठोकर ना लगे। हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिसके कारण अन्य जातियों में, गैर मसीही लोगों में मसीह के नाम की बदनामी हो, क्योंकि यदि हमारी वजह से मसीह के नाम को लोग गलत कहेंगे, मसीह की बेइज्जती करेंगे हमारी वजह से, तो फिर हमसे तरसनीय कोई दूसरा नहीं है। सो जबकि हम लोग स्वर्गीय जीवन होने का दावा करते हैं, नए जन्म पाए हुए लोगों में अपने आप को समझते हैं, तो फिर हमें यह ध्यान देना होगा कि यदि हमने नया जन्म पाया है तो पुराने में और फिर नए में क्या फ़र्क है। यदि पुराने के मुताबिक ही हमको जीना था तो फिर नया जन्म आया ही क्यों, नए जन्म की ज़रूरत क्यों पड़ी, फिर तो पुराना ही ठीक था ना। फिर नया जन्म दिलाने के लिए मसीह को क्यों ज़मीन पर आना पड़ा। नया जन्म हमको मिले इसलिए खुदावन खुदा ने इतना बड़ा इंतज़ाम किया और मसीह यीशु मनुष्य के रूप में इस धरती पर आया हमारे कारण, हमको बचाने के लिए, हमको पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए मसीह यीशु ने इतना बड़ा बलिदान दिया। और ऐसी दर्दनाक मौत सही कि जिसको जब विचार करते हैं तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। और हम लोग अपनी जिद के कारण, अपने अहंकार के कारण और अपने आप को सिर्फ और सिर्फ ज्ञानवान या सही ठहराने के कारण हम उसके बलिदान को पांव तले रौंद देते हैं। हमें मसीह की इज्जत से कुछ लेना देना नहीं, हमारी अपनी इज्जत ना कहीं घट जाए, कहीं हम लोगों के बीच में छोटे ना पाए जाएं। और यदि हमने गलती भी की है तो कोई हमको समझाने की कोशिश करे, हमने समझना नहीं है, बल्कि यदि कोई समझाने की कोशिश करे तो उस समझाने वाले को भी दुनिया की नज़र में गिराने की कोशिश करनी है, अपनी गलती को मानने की कोशिश नहीं करनी। तो जैसा मैंने कल बोला था कि उस पोस्ट में अभी तक मुझको किसी भी इंसान ने ये जवाब नहीं दिया। मैंने बहुतों से पूछा कि उस पोस्ट में गलत क्या था, भाई वो तो मुझको बता दो, गलत क्या है ये उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उस पोस्ट में कुछ गलत था ही नहीं। बावजूद इसके इतने गंदे गंदे कमेंट किए हैं और उस बहन को सेव करने के लिए कमेंट किए हैं, जो बहन वचन की विरोधता में जाकर अपने आप को लोगों के सामने पेश करती है, उसको सिर्फ मसीही लोग नहीं देखते बल्कि अन्य जाति लोग भी देखते हैं। और उनमें हमारा जो चाल चलन है, हमारा रहन सहन है, वो कैसा होना चाहिए, आप खुद ही विचार करना। मैं आपको फिर वही तस्वीर दिखाकर आगे लेकर जाना चाहता हूँ। और जैसा मैंने कल कहा था, इस तस्वीर को सिर्फ गलत नज़रिए से मत देखिए, इस तस्वीर से बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि आप किसी सिख परिवार या हिंदू परिवार में मसीह का पैगाम लेकर गए हो और आप उनके भक्ति के तरीके से अच्छी तरह से वाकिफ हो, सिखिज्म के भक्ति करने के तरीके से आप वाकिफ हो, कितना डर होता है और कितनी श्रद्धा के साथ वो गुरुद्वारा में जाते हैं, आप लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ हो, वहाँ पर उनके बच्चे भी कितने नियम के साथ बैठे होते हैं, आप इस चीज़ से वाकिफ हो, उनके गुरुद्वारा में आप किसी बच्चे को शरारत करते नहीं पाओगे, इस चीज़ से आप वाकिफ हो। जबकि हमारे चर्चों में इतना शोर होता है कि प्रचारक का वचन सुनना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और प्रचारक को इतने शोर में वचन सुनाना भी मुश्किल हो जाता है। प्यारे अजीजो, बात समझने की है, हमें अपने अंदर से उन कमियों को निकालना होगा यदि हम चाहते हैं कि मसीह को दूसरी कौमों में इज्जत मिले।
हमको अपने आप को दूसरी कौमों से बेहतर दिखाना होगा। यदि हम अपने आप को उनमें कुछ बेहतर दिखाएंगे तभी तो वो कायल होंगे ना, तभी तो वो मसीह की तरफ मुड़ेंगे। और जब हम अपना नमूना ही इतना घटिया देंगे तो यदि हम उनके घरों में जाएंगे तो वो हमको कबूल नहीं करेंगे, मसीह को भी कबूल नहीं करेंगे, और ऐसी ऐसी बातें हमारे सामने रख देंगे जिनका जवाब देना हमारे लिए मुश्किल होगा। यदि हम चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि लोगों में मसीह का नाम महिमा पाए, तो फिर हमें कुछ कठोर फैसले लेने होंगे, कुछ दृढ़ फैसले लेने होंगे। वो गंदगी जो मसीहत में आ चुकी है उसका विरोध करना होगा, उस गंदगी को मसीहत में से निकालकर बाहर फेंकना होगा। उस गंदगी को फैलाने वालों का साथ नहीं देना है बल्कि उस गंदगी को मसीहत से निकालना है। मैंने बोला था, ये तस्वीर मैंने कल भी आपको दिखाई थी, आज भी आप लोग देखें, मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा। मुझको इसको दिखाने में कोई शर्म नहीं, आपको भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये मैं डाल नहीं रहा हूँ, इनके द्वारा खुद डाली हुई तस्वीर है। और सबसे बड़ी खतरनाक जो बात ये है कि आप यहाँ पर देखें, या शायद स्क्रीन में आपको नज़र आएगा, इस जगह पर आपको एक चीज़ नज़र आएगी, वर्शिप टाइम। ये वर्शिप टाइम है। आप किसी के घर में जाते हो और आप प्रचार करते हो, मसीह की खूबियों को बयान करते हो, वो उस आपके आगे इस बहन की तस्वीर को रख दे और आपसे सवाल करे, क्या आपके लोग वर्शिप इस तरह नंगा होकर करते हैं? क्या आप लोगों को शर्म नहीं है? क्या आप लोगों को हया नहीं है? कौन से मसीह की बात लेकर आए हो जिस मसीह के बारे में आप कहते हो कि इस मसीह में आने के बाद लोगों का जीवन बदल जाता है? क्या ऐसा जीवन बदलता है? क्या इस औरत की तरह जीवन बदलता है? क्या मसीही जीवन आपको नंगा करने के लिए आया है? क्या मसीही जीवन आपको यही सब कुछ सिखाने के लिए आया है? शर्म अगर आप में होगी तो शर्म से डूब मरोगे। और आप लोग ऐसे लोगों का साथ देते हो। शर्म इस फोटो से नहीं आनी चाहिए, शर्म तो इस शब्द से है जो ऊपर लिखा हुआ है, वर्शिप टाइम। और ये किसी ने क्रिश्चियनों को शर्मिंदा करने के लिए नहीं डाली पोस्ट, ऊपर पढ़े, जॉर्ज स्टिंग मताया, ये हमारे किसी क्रिश्चियन भाई द्वारा डाली हुई पोस्ट है। और यदि तो ये उन्हीं की मिनिस्ट्री है जिस बंदे ने पोस्ट डाली है, तो फिर उसके ऊपर भी विचार करना होगा। और यदि किसी और किसी मसीही ने इस पोस्ट को डाला है, तो इस पोस्ट के जरिए वो क्या बताना चाहता है, उसका मिशन क्या है, वो क्या बताना, क्या इसकी वो प्रशंसा कर रहा है कि अब हमारे लोगों को भी ऐसे ही नंगे हो जाना चाहिए, या फिर वो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने विचार को पेश करें। वर्शिप टाइम में जिनकी नकल हमारी बहनें कर रही हैं, जब उनसे बात की जाती, बोलते जो इसमें भी तो बिना चुनरी लिए हुए आती है, इतनी फेमस है। आगे चलकर देखेंगे कैसे कैसे फेमसों को कैसे पलूस ने पूरे सिस्टम के साथ रगड़ा था। हमको बड़े छोटों से कुछ लेना देना नहीं है, कौन बड़ा है कौन छोटा, मसीह में सभी एक समान है। तो जब हम अपनी बहनों को मिसालें देते हैं, उठाकर जोइस मेयर को हमारे सामने लेकर आ जाती है, प्यारे अजी जो बच नहीं सकते, अपनी सफाई देनी पड़ेगी यदि इनकी नकल करनी है। फिर एक बहन ने कल मुझसे पूछा था, क्या आप क्या कहना चाहते हैं, उनमें आत्मा काम नहीं करता? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ उनमें आत्मा काम नहीं करता, लेकिन उनमें आत्मा काम करता है जिसके विषय में खुदा के दास संत पौलुस ने लिखा है, एक दूसरा आत्मा है, एक दूसरा यीशु है, एक दूसरा सुसमाचार है। वो आत्मा काम करता है जो मसीह विरोधी आत्मा है। उसी मसीह विरोधी आत्मा ने इस बहन को नंगा करके स्टेज पर आने के लिए मजबूर किया। मसीह इस बहन को इस तरह से नंगा कभी भी स्टेज पर नहीं लेकर आ सकता। असली आत्मा इसको कभी भी इस तरह नंगा होने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। असली यीशु कभी भी इसको इस तरह के जीवन जीने के लिए नहीं बता सकता, क्योंकि बाइबल संजीदगी का जीवन है, बाइबल स्वर्गीय जीवन है, बाइबल अनंत जीवन है, हम बाइबल वो पवित्रताई का जीवन है। प्यारे अजीजो, हम कहते हैं
क्या उनमें आत्मा काम नहीं करता? मैं बिल्कुल कहूंगा उनमें आत्मा काम नहीं करता, और जिनमें करता है उनका जीवन बदला हुआ आपको नजर आता है। मैंने कल भी बताया था, मैं ऐसे बहुत सारे गोरों की मिसालें दे सकता हूं, उनकी तस्वीरें भी आपके सामने लाला कर रख सकता हूं, उनके जीवन को आपके सामने लाला कर रख सकता हूं, जो सचमुच उसी तरह जीते हैं जैसे बाइबल में लिखा है। क्यों? क्योंकि वो उस आत्मा की अगुवाई में चलते हैं जिस आत्मा को हमारे पिता परमेश्वर ने आकाश से यीशु मसीह के कहे हुए वायदे के मुताबिक भेजा था, जिसे हम होली स्पिरिट पवित्र आत्मा कहते हैं। जिनमें वो आत्मा है वो किसी भी कीमत पर उसकी इबादत के समय इस तरह नंगे होकर कभी भी नहीं आ सकती। ध्यान रखना, कठोर बातें, सख्त बातें हजम करने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आपको इनका सामना करना होगा, इन्हें ग्रहण करना होगा यदि आप मसीह को इज्जत देना चाहते हैं। नहीं तो फिर वही होगा, ये तो बहन कुछ भी नहीं है, मैंने दूसरी तस्वीर भी कल आपको दिखाई थी। तो यदि आप किसी गैर मसीही में जाएं और वहां पर जाकर आप मसीह के अच्छे गुणों को प्रचार करें, जैसा वचन में लिखा है मसीह के गुणों को प्रचार करें, वो ऐसी तस्वीर आपके सामने लाकर रख दे, प्यारे अजीजो शर्म से डूब जाओगे, आपको कोई जवाब देने का आपका हौसला नहीं पड़ेगा। वो कहेंगे क्या आपका मसीह ऐसी तालीम देता है, क्या आपके मसीही लोग ऐसे होते हैं, यहां पर भी ऊपर लिखा हुआ है, पढ़ लें वर्शिप टाइम, क्या सिद्ध करना चाहता है ये पोस्ट डालने वाला बंदा। और एक बहन जब मुझसे बहस कर रही थी, मैंने उनको दिखाई मसीहों की करतूत, वो इस बात को समझने के बजाय मुझको बोलती आप सचमुच झूठे नबी हो, एक सच्चा नबी तो ऐसा तस्वीर को देख भी नहीं सकता, ऐसी तस्वीर डालना तो बड़ी दूर की बात है। वो समझने की बजाय और गिरावट में चली गई। क्यों? वचन में ऐसा भी लिखा है ये लोग और गिरते जाएंगे समझने की बजाय। हम लोग इन तस्वीरों से क्या लेना देना है? हम तो शहर में जाते हैं, हमारे सामने तो लाखों हजारों लोग नंगे चलते फिरते हैं, क्या हम अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांधेंगे? नहीं, अपने मन को मजबूत करना पड़ेगा। जिसके अंदर वचन का बीज आ गया उसके सामने चाहे लोग नंगे होकर क्यों ना आ जाएं, उन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, फर्क उन्हीं पर पड़ेगा जिनके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है, उन्हीं को पड़ेगा। अरे अजीजो, यूसुफ की उदाहरण आप लोग जानते हैं, यूसुफ को पूरा मौका था जनाकारी करने का, भागा ना, वो भी देख सकता था, वो भी समझ सकता था, कोई बात नहीं ये औरत के लिए कोई मुझको देखने वाला नहीं है, लेकिन वो जानता था बेशक मुझे कोई नहीं देख रहा लेकिन मेरा बनाने वाला मुझे देख रहा है। प्यारे अजीजो, ये तो आप लोगों ने वचन में पढ़ा होगा, कैप्टन सैमुअल खुदा के दास की उदाहरण देता हूँ आपको। नेपाल में शाही घराने की औरत, एक बहुत जबरदस्त औरत, जिनके घर में उनको वचन सुनाने का मौका मिला, ठहरने का मौका मिला, शैतान ने उस औरत को इस्तेमाल करना चाहा कैप्टन सैमुअल की पवित्रता को गिराने के लिए। आधी रात के समय वो पूरी तरह नंगन होकर उसके बिस्तर के ऊपर आकर उसके छाती के ऊपर बैठ गई और उसे कहने लगी, तू एक पवित्र पुरुष है और मैं चाहती हूँ कि हमारे वंश में तेरे बीज से एक बच्चा जन्म ले, सो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू मुझसे शारीरिक संबंध बना। खुदा के दास ने उसे पटक कर जमीन पर फेंका। प्यारे अजीजो, जिनके अंदर उसका आत्मा है, गुनाह करना तो दूर की बात, गुनाह के बारे में सोच भी नहीं सकते। सो ये तस्वीरें दिखाने का मतलब, मैं इन तस्वीरों को देखता नहीं रहता हूँ, बल्कि आपको समझाने के लिए ये सब कुछ आपके सामने लाता हूँ, इसलिए कि आपको पता चले कि मसीहत में हर दिन कितनी गिरावट आ रही है। और अगर हमारे लोगों ने भी इन्हीं को फॉलो करने की आदत डाली, तो जैसे जोइस मेयर की उदाहरण देते हैं, देखो जी वो तो स्कर्ट पहनकर आती है, देखो जी वो तो सिर पर उसने चुनरी नहीं ली होती है, देखो जी वो तो उसकी आधी कई बार उसकी आधी आधी छातियाँ भी नजर आती। प्यारे अजीजो, दूसरों को निशाना बनाकर आप अपनी भक्ति के काम को पूरा नहीं कर सकते। वचन में लिखा है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले मसीह यीशु की तरफ देखो। योइस मेयर की तरफ देखने से आपके गुनाह माफ़ नहीं हुए, मसीह यीशु की तरफ ध्यान करने से आपके गुनाह माफ़ हुए हैं। इसलिए हमारा ध्यान योइस मेयर की तरफ नहीं, योइस मेयर ने हमारे लिए कुर्बानी नहीं दी, उसने अपना लहू हमारे लिए नहीं बहाया, हमारे लिए उसने प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया है, हमने उसकी तरफ देखना है। वो हमको क्या कहकर गया हमने उसकी तरफ देखना है, और ये भी देखना है जो वो कहकर गया क्या जोइस मेयर उसको फॉलो करती है कि नहीं।
उसके तरफ हजारों लाखों की भीड़ को मत देखो। मैंने कल भी बताया था, हमारी औरतें जैसलमेर की जब उदाहरण देती हैं उसको फॉलो करती हैं, तो मैं सवाल करता हूँ, जैसलमेर तो स्टेज पर खड़ी होकर बोलती है, मेरा बाप बचपन में, अभी मैं टीन एजर थी, मेरी टीन एजर में मेरा बाप मेरे साथ रेप करता रहा है। मैं सवाल करना चाहता हूँ अपनी बहनों से, क्या आप बता सकती हैं अपने पति को? क्या आप इस तरह खुले आम स्टेज पर अपने उन पुराने बीते हुए समय को बता सकते हैं जो आपके साथ बीता है? आप शर्म के साथ मर जाएंगी, आपका हौसला नहीं पड़ेगा। कभी किसी औरत ने अपने पति को कभी ये नहीं बताया कि कुआरेपन में मेरी भी किसी के साथ फ्रेंडशिप थी, मेरी भी किसी के साथ दोस्ती थी। इतनी शर्म है हमारे कल्चर में। एक औरत कभी भी अपने पास्ट को अपने पति के साथ शेयर नहीं करती। तो यदि आप जैसलमेर की उदाहरण देते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं अपने पति को कि मेरी पहले कुआरेपन में मेरी 5 लड़कों के साथ फ्रेंडशिप थी? कभी नहीं। सो मत फॉलो करो इन लोगों को। ये लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए प्रभु यीशु को इस्तेमाल करते हैं, इनके अंदर कोई नए जन्म का काम नहीं हुआ है। और यदि आप इनकी नकल करोगे, तो यदि कहीं गलती से आप इनकी नकल करोगे, तो अगर आपके अंदर नए जन्म का काम हुआ भी है, वो भी निकल जाएगा। खतरनाक विषय है, समझना है। मैंने तो खाली चुनरी की बात की, आग बबूला हो उठे हैं। मसीही जीवन को खोल कर बताऊंगा आपको कैसा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए। आप सिख लोगों के पास जाओ, उनके घरों में जाओ, वो आपके सामने ये तस्वीर रखेंगे तो क्या जवाब दोगे? फिर आप कहोगे इनका तो कल्चर है जी। तो यदि इनका ये कल्चर है, तो वचन में लिखा है आपने वो वर्ष तो उठा ली, अब ना मसीह में नर ना नारी, क्योंकि आपकी सेफ्टी की है ना, आपको बल देती है, आपके मजे की वर्ष है, आपने उसको उठा लिया कि नहीं नहीं जी अब ये नहीं है, अब तो ना मसीह में नर है नारी। तो वहां पर और भी कुछ लिखा है, अब मसीह में ना यहूदी ना यूनानी। तो ये फिर अपने कल्चर को क्यों मसीहत में ठोंस रहे हैं? ये अपने नंगेपन के कल्चर को मसीहत में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि जब वचन में लिखा अब मसीह में ना कोई यहूदी ना कोई यूनानी, ना कोई नर ना कोई नारी, ना कोई गुलाम ना कोई आजाद, फिर ये लोग ऐसे क्यों हैं? इनको तो फिर मसीही के कल्चर को अपनाना चाहिए था, क्योंकि जो मसीह में आ गया, जिसने नवा जन्म पाया, जिसने उसके बीज से जन्म लिया है, जिसने परमेश्वर के घराने में जन्म लिया है, वो अब ना यहूदी है ना यूनानी है, वो ना नर है ना नारी है, वो ना गुलाम है ना आजाद है। प्यारे अजीजो, एक वर्ष जब हमारे फायदे की होती है वो हम उठाते हैं, जैसे मैंने पिछले दिनों में बताया था, दशमांश के लुटेरों ने दशमांश की आयतों को उठाकर कलीसिया को ठग लिया। और ओल्ड टेस्टमेंट के नियम के अनुसार वो सारा कुछ चलता था, मलकीसिदक ने भी दिया, व्यवस्था ने से पहले भी था, लेकिन नया जन्म में नहीं है। लेकिन इन लोगों ने नए जन्म में भी लोगों को लूटा, लोगों से दशमांश की ठगी की। और ये यदि वो ये लेते हैं, तो फिर उनका जीवन भी जिए जो दशमांश लेते थे, वो तो जीते नहीं, लेकिन दशमांश लेना पता है। दशमांश लेने वालों के लिए हुक्म क्या था, उसको ये लोग फॉलो नहीं करेंगे। दशमांश लेना ये बताएंगे, उसका वैसा जीवन बताना ये नहीं बताएंगे, क्योंकि नए जन्म में तो है ही नहीं। तो ये लोग आपको गुमराह करते हैं, अपने मतलब के अपने फायदे की चीजों को उठा उठा कर आपके सामने ला कर रखते हैं। अरे अजी जो दशमांश तो 3 प्रकार के थे, किस पास्टर ने आपको बताया? आप चर्चों में जाते हो, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, किस पास्टर ने आपको ये बताया कि 3 किस्म का दशमांश होता है? 2 किस्म के दशमांश के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो उनको मिलने वाला नहीं है, इसलिए उसके बारे में नहीं बताते हैं, वो उस दशमांश के बारे में बताते हैं जो लेवी लेते थे। और लेवियों की सेवकाई यीशु मसीह ने छीन ली थी, याद रखें। यीशु मसीह लेवियों के खानदान से नहीं, जाजक महाजाजक लेवियों के खानदान से चुने जाते थे, यीशु मसीह यहूदा के खानदान से आकर महाजाजक के काम को निभा कर गया है। अब वो बात नहीं है प्यारे जी, जो हमारा विषय वो नहीं है। आप लोग यदि इस विषय को सीखना चाहते हैं, 5 पार्ट मैंने डाले हुए हैं अबाउट टाइथ के विषय पर, वो आप लोग जाकर विस्तार से उसको सुन सकते हैं। जब मैंने वो भी बोला था, कुछ दशमांश के लुटेरों का खून खोल उठा था, सच्चाई सुनकर बर्दाश्त नहीं हुई, बड़े बड़े घटिया कमेंट करने लगे थे, लेकिन बाइबल से कुछ जवाब नहीं दे पाए। प्यारे अजी जो बड़ा खतरनाक समय से गुजर रहे हैं, इसलिए आपको इन सारी बातों को समझना बड़ा ज़रूरी है।
अगर आप लोग चाहते हैं कि मसीह का नाम इज्जत पाए, जैसा मैं हमने सबसे पहले इस वर्ष को देखा है, उसी तरफ मैं आपको फिर लेकर जाना चाहता हूं। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, हमारे कारण हमारे बाप की निंदा हो रही है और हमें शर्म नहीं आती। हमारे कारण हमारे बाप को कोई गलत कहे, उसी बाप का हम प्रचार करें और हमारे कारण उसी बाप की निंदा हो, उसी बाप की हम लोगों में जाकर प्रशंसा करें और उसी बाप के लिए हम खुद निंदा का कारण बने, तो कौन सा प्रचार कर रहे हैं? क्या लोगों को समझा रहे हैं? क्या लोगों को बता रहे हैं? क्योंकि वचन में साफ लिखा, उनके कारण भी, यहूदियों के कारण भी परमेश्वर के नाम की निंदा हुई। परमेश्वर तो गर्व से कहता था, मैंने इस वंश को चुना, ये मेरा चुना, उनके लिए भी चुना हुआ वंश था, हमारे लिए भी चुना हुआ वंश कहा गया। उस चुने हुए वंश ने परमेश्वर को इतना दुखी किया, आखिरकार परमेश्वर ने लंबे समय तक उनको छोड़ दिया, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया, दुनिया में तमाशा बनकर रह गए। कहीं ऐसा ना हो जब अन्य जातियों में हम भी परमेश्वर के लिए घृणा का पात्र बने, परमेश्वर वैसा ही हमारे संग करे। क्योंकि जब हरी डालियों के साथ उसने लिहाज नहीं किया, तो हम जो जंगली हैं, जिनको उनके साथ प्योंद किया गया है, फिर हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा, इस बात को ध्यान में हमको रखना होगा। अरे अजीजो, ऐसा कोई कर्म ना करें जिसके कारण अन्य जातियों में हमारे परमेश्वर की हमारे कारण निंदा हो। एक छोटी सी बात है, किसी बहन को यदि हम कह देते हैं कि बहन जी आप सिर ढांप लिया करो, कौन सा बड़ा काम कह दिया है, कौन सी इंसल्ट कर दी है, कौन सी बेइज्जती कर दी, इस बात को लेकर क्यों तिलमिला रहे हैं, क्या हमने आपकी शान के खिलाफ कह दिया है, कौन सा ऐसा पहाड़ टूट पड़ा है, क्या हमने वचन के बाहर कह दिया है, कौन सा वचन के बाहर बोल दिया है, आप सिद्ध तो करो ना। आपको यही कह रहे हैं, यदि आपको शौक है वचन को सुनाने का, तो कम से कम आप अपने आप को उस वचन के अनुसार लोगों में लेकर जाओ। आपका बदला, जो वचन आप सुनाते हो ना कि आपका जीवन बदल जाएगा, आप उस वचन के द्वारा अपने बदले हुए जीवन को तो दिखाओ ना लोगों को। अब यही बहन जिसकी मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, ये नंगन अवस्था में मात्र कपड़े पाए हुए, नाम मात्र कपड़े, इसी को यदि मसीह का वचन किसी के साथ शेयर करना हो, तो किस मुंह के साथ करेगी? और उस सेवक के बारे में सोचिए, मैंने जैसे कहा एक बहन ने मुझसे सवाल किया था, आप क्या कहना चाहते हैं, फिर गोरे लोगों में आत्मा काम नहीं करता? तो मैं उसी बहन से अब सवाल करता हूं, बहन जी आप बताएं, जब ये बहन इस नंगन अवस्था में स्टेज पर परफॉर्मेंस देने के लिए आई है, उस वक्त इनका गैरतमंद वो पास्टर जो ये दावा करता है कि हम पाखरू की अगुवाई में चलते, वो कहां था? वो सामने बैठी हुई कलीसिया जो इस अर्धनंगन औरत को स्टेज पर मसीह की परफॉर्मेंस इस हालत में देते हुए देख रहे हैं, क्या मैं आपसे बहन जी बात कर रहा हूँ, क्या उनमें आत्मा है, क्या वो आत्मा के अनुसार चल रहे हैं? यदि आत्मा के अनुसार चल रहे होते, किसी भी कीमत पर वो अनुमति ना देते कि ये बहन इस हालत में मसीह के पवित्र सिंहासन जहाँ लगा होता है, मसीह की उस पवित्र स्टेज पर आकर ये इस तरह से परफॉर्मेंस दे सके। नहीं करता, जिनमें करता है वो भी दिखाई देते हैं। इनके जो, जैसे हमारे गांव होते हैं ना, वैसे इलाकों में आप जाओ, आपको इनका कल्चर मिलेगा हमसे भी बड़ा कल्चर, आपको इनकी जिंदगी मिलेगी हमसे भी अच्छी जिंदगी, नेक जिंदगी, पवित्रताई की जिंदगी, जिनके अंदर आत्मा ने काम किया, उस आत्मा ने जो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है। ये जिनको आप नंगेपन में डांस करते हो स्टेजों पर देख रहे हो, इनके अंदर वो आत्मा नहीं, इनके अंदर वो दूसरा आत्मा है जो बर्बादी के लिए है। और वो किन पर भेजा गया है? उसको भी शैतान ने नहीं भेजा, ये भी बात याद रखना। शैतान की ओर से वो आत्मा नहीं आया है, वो भी आत्मा परमेश्वर ही भेजता है। जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना पसंद नहीं ना करते लोग, तो फिर वचन में लिखा है परमेश्वर फिर अपनी ओर से उनके ऊपर एक गुमराह करने वाले आत्मा को भेजता है, और जिन पर गुमराह करने वाला आत्मा ठहर जाता है वो सिर्फ बर्बादी के लिए होते हैं।
आप इन बर्बाद होने वालों की नकल मत करो, क्योंकि इनके ऊपर वो गुमराह करने वाला आत्मा ठहरा हुआ है, और अब जो इनकी नकल करेगा वो भी गुमराह करने वाले के आत्मा के वश में चला जाएगा। और जो एक बार गुमराह करने वाले आत्मा के वश में चला गया, ध्यान रखना, मैंने बहुत बार बताया है, दुष्ट की ओर से आया हुआ दुष्ट आत्मा तो मसीह यीशु के नाम में डांटोगे वो निकल जाएगा, लेकिन जिस आत्मा को परमेश्वर ने भेजा, जिस दुष्ट आत्मा को, जिस गुमराह करने वाले आत्मा को परमेश्वर भेजेगा, वो किसी भी कीमत पर मसीह के यीशु के नाम में नहीं जाएगा, क्योंकि मसीह यीशु धरती पर अपने बाप की मर्जी को पूरा करने आया था। और अब जब बाप अपनी मर्जी से किसके ऊपर कोई दुष्ट आत्मे को उसको भेजेगा, गुमराह करने वाले आत्मे को, तो वो आत्मा मसीह यीशु के नाम में जाने वाला नहीं। और ये उन्हीं पर आता है जो गुमराह हो जाते हैं, उन पर ठहर जाता है, जो उसके पवित्र लहू की कदर नहीं करते उन पर ये भेजा जाता है, जो यीशु मसीह के पवित्र लहू को अपने पांव तले रौंदते हैं ये उसके ऊपर भेजा जाता है। उसी तरह अब इन कंट्रियों में आप जो देख रहे हो ना, चर्चों में हो रहा है, इन पर वो गुमराह करने वाला आत्मा भेजा जा चुका है, ये गुमराह हुए लोग हैं, इनकी नकल मत करो। आपका जीवन स्वर्गीय है, आप अब इनकी तरह नहीं चल सकते, इसलिए कोई ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से मसीह यीशु के नाम की निंदा हो। ऐसा कोई काम ना करो जिससे अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा हो, परमेश्वर को बेइज्जत होना पड़े। होंगे ना, आप लेकर गए हो कि मैं गुनहगार था, मैं पाप में जीता था, आप ही गवाही देते हो ना, तो पाप आपसे पाप के काम करवाता था, क्योंकि आप उसके गुलाम थे। आप कहते हो मैंने वचन को सुना, मेरा दिल टूट गया, मुझको मसीह यीशु ने आज़ाद किया, मुझको खुदा ने अपना पाकरू दिया। किसको दिया? जिसको पाप से आज़ाद किया। तो अब पाप के गुण फिर आप में नज़र क्यों आते हैं? पाप का गुण है अच्छी बात को स्वीकार ना करना, चुनरी लेना, वचन के अनुसार हो या ना हो इस बात को छोड़ दो। चुनरी लेना एक औरत के लिए इज्जत की वजह है। क्या आप नहीं चाहती आपको इज्जत मिले? एक हमारे कल्चर की बहनें जो हैं, इंडियन कल्चर की बात भी करते हैं बाइबल के कल्चर के साथ मिलाते हुए, कि असल में जो बाइबल का कल्चर है वो हमारे एशियन कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, और उसी लिहाज से जब हम देखते हैं कि जो जो कुछ हमारे कल्चर में चलता था ना पहले से ही, वो सारा कुछ बाइबल में है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस हमारे भक्ति करने के तरीके ही अलग थे, बाकी सब कुछ तकरीबन मिलता जुलता है। तो अब बाइबल से हटकर थोड़ी सी बात करते हैं। एक बहन अगर सादगी का जीवन जीती है, नगर में उस खानदान की इज्जत होती है। जो एक औरत अच्छे ढंग से समाज में चलती फिरती है, लोग गवाही देते हैं, वो देखो किसी खानदान की औरत जा रही है। उसी तरह जब आप निकलो, लोग आपके बारे में गवाही दें, वो देखो परमेश्वर के खानदान की औरत जा रही है। यदि एक औरत सादगी में जीवन जीती है तो समाज में उसको इतनी इज्जत मिलती है, तो जब वही औरत खुदा में वैसा जीवन जिएगी तो खुदा को इज्जत मिलेगी। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपके खुदा को इज्जत मिले? और जो लड़कियां बेगैरती का जीवन जीती हैं, उनकी वजह के कारण उनका खानदान मुंह छिपाता फिरता है, उनके खानदान की निंदा होती है, लोग कहते हैं लानती हैं ऐसे माँ बाप जिन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया है, हमारे कारण हमारे माँ बाप को लानती ठहराया जाता है, क्या हमको शर्म नहीं आएगी? इसलिए लिखा वचन में, क्योंकि तुम्हारी वजह से अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। ऐसा काम कोई भी मत करो। हमको अन्य जातियों में सेवा को लेकर जाना है, और जब अन्य जातियों में सेवा करनी है, उनके अंदर कितना खौफ कितना डर है, आप लोग समझते हो इस बात को। बचपन में ही मुसलमान बच्ची हो चाहे, उसको पूरा सिर कवर करके वो मस्जिद में लेकर जाते हैं, तभी से उसको आदत पड़ जाती है और वो सारी उम्र लगी रहती है।
और वो इससे हटना भी नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि वो सोचती है ऐसा करने से मेरे मजहब को इज्जत मिलती है। उसके उनके अंदर ये मादा है कि मेरा ऐसा करने से मेरे मजहब को इज्जत मिलती है। आप तो वो करोगे जिससे आपके मजहब की बदनामी हो, समझोगे नहीं। बस वचन की इधर उधर की आयतों को तोड़ मरोड़ कर सामने वाले को झूठा साबित करने की जरूरत जो कोशिश है वो पूरी करोगे। अरे अजी जो मैंने जैसे बोला, आपने सिखों के इबादतों को, उनके वर्शिप करने के अंदाज को, उनके गुरुद्वारा में जाने के अंदाज को, उनके गुरुद्वारा में बैठने के अंदाज को, उनके गुरुद्वारा में सेवा करने के अंदाज को, आपने सब कुछ देखा है। उनके पास आपको ये वचन लेकर जाना है तो आपका धार्मिकता का लेवल यदि उनसे ऊंचा होगा तभी तो वो बात उन पर असर करेगी। तो जब आपका धार्मिकता का लेवल ही उनसे कहीं नीचे का होगा तो आप कैसे सोचते हो कि आपका सुनाया हुआ सारा जो सिस्टम है उन पर कोई असर करेगा? वो ऐसी चीजें लाकर आपके सामने रख देंगे, फिर मुंह छिपाने को जगह नहीं मिलेगी। फिर सोचोगे कि हमने ऐसा पहले सोचा क्यों नहीं था। फिर मन में आएगा हमें इस बात की विरोधता करनी चाहिए। सो जैसे जैसे उनकी नकल करते हुए हमारी बहनों ने सिर से चुनरी हटाई ना, जैसे जैसे उनकी नकल करते करते ये स्कर्ट पहनना शुरू हो गई, वैसे वैसे दिन आने वाले हैं ये आपको कहेंगी गोरियां भी तो जाती हैं ना समुंदर पर नहाने के लिए अंडरवेयर और बरा पहनकर, हम क्यों नहीं जा सकती? और सिर्फ समुंदर पर नहाने के लिए नहीं, कभी कभी तो वो बाजारों में भी ऐसे ही घूमती हैं। हमारी बेटियां भी फिर कहेंगी, फिर बुरा मत मानना क्योंकि आपने इनको सिर से चुंदरी उतर जाने की प्रेरणा दी ये बात मानकर कि कोई बात नहीं, वो उन्होंने उतारी है तो आप भी उतार लो। इन्होंने सलवार को उतार कर इन्होंने स्कर्ट को पहन लिया है, आपने रोका नहीं। याद रखना, यदि सलवार स्कर्ट में बदल सकती है तो जल्द समय आने वाला है वो स्कर्ट अंडरवेयर में भी बदलने वाली है, और उसके जिम्मेवार हम लोग होंगे, हम खुद ही होंगे। और जो बहन अंडरवेयर तक पहुंचेगी वो अपनी बच्ची को भी आगे जाकर मना नहीं कर पाएगी। ये लोग क्यों नंगे हैं, अपने बच्चों के ऊपर क्यों कंट्रोल नहीं करते? क्योंकि खुद वो सब कुछ करते हैं, बच्चों को कहने के हकदार नहीं हैं। उसी तरह यदि हम भी वैसा ही करेंगे तो बच्चों को कैसा कहेंगे? इसलिए यदि हम चाहते हैं हमारी जनरेशन, जैसा वचन में कल हमने पढ़ा, तुम एक चुना हुआ वंश हो, राज पद अधिकारी हो, परमेश्वर की खास प्रजा और पवित्र कौम हो, तो प्यारे अजी जो यदि हम वो हैं तो हमें दुनिया में सिद्ध करना है, वरना पछताने के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम्हारे नाम के कारण, तुम्हारे नाम के कारण, तो तुम्हारे कामों के कारण परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। हम वजह बने हैं, अच्छा प्रचार करने से कुछ नहीं होने वाला, अच्छे सब्जेक्ट बनाने से कुछ नहीं होने वाला, बीमारों को चंगा करने से कुछ नहीं होने वाला, करामातों की सेवा करने से कुछ नहीं होने वाला। वो मसीह में आ भी जाएंगे तो भी कभी नजात को ना पा सकेंगे क्योंकि उनके अंदर नए जन्म का काम हुआ ही नहीं। उन्होंने मसीह को सिर्फ और सिर्फ शाफी दाता करके कबूल किया, नजात दहेंदा करके नहीं। शिफाएं मिलती रहेंगी, आशीषें मिलती रहेंगी, मसीह के साथ बने रहेंगे। जिस दिन वो मिलनी बंद हो गई उस दिन मसीह को छोड़ देंगे। राजनीतिक जीवन में मेरे पास ऐसी बहुत सी बहनें आई हैं जो किसी समय में उनका किरदार बहुत अच्छा था, अच्छा जीवन था क्योंकि उनके पति ठीक ठाक थे, उनका गुजारा होता था, उनको हर जरूरत की चीज़ मिलती थी। ऐसा समय उनके जीवन में आ गया, पति का जो कारोबार था वो ठप हो गया, वो बहनें जनाकारी पर उतर आई क्योंकि अब उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही थी, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी। इसलिए उनको आखिरकार गैर मर्दों के पास जाना पड़ा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ऐसे ऐसे केस हमारे पास आते थे जब हम उनसे पूछते थे आंखों में आंसू आ जाते थे। प्यारे अजी जो
ये जो चंगियाइयां करामतां आशीषों के कारण मसीह यीशु के पास आए हैं ना, ये तब तक हैं जब तक इनके साथ ये सब कुछ होता है। जिस दिन इनके साथ ये होना बंद हुआ, जैसे मैंने उन औरतों की उदाहरण बताई कि जनाकारी पर उतर आई, उसी तरह ये कलीसिया भी करेगी, ये कलीसिया भी उसी तरह से जनाकारी करेगी। जिम्मेवार हम होंगे, हमारे जैसे लोग बुरे तो लगते हैं लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जो सत्य है वो सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। प्यारे अजीजो, मसीही जीवन पवित्रताई का जीवन, मसीही जीवन अलगताई का जीवन, मसीही जीवन स्वर्गीय जीवन, मसीही जीवन धार्मिकता का जीवन, मसीही जीवन खुदा की इच्छा को पूरा करने वाला जीवन, मसीही जीवन अपनी इच्छाओं को खुदा के आगे रखने वाला जीवन नहीं है। सो आगे देखते हैं वचन क्या कहता है। प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसकी 26 वर्ष में लिखा है, और शागिर्द जो चेले थे, और चेले सबसे पहले अंताकिया में ही मसीही कहलाए, सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। वजह क्या थी, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कारण था कि ये मसीही कहलाए, क्योंकि लिखा है कि वहां पर ये पहली बार मसीही कहलाए। क्या कारण था कि ये मसीही कहलाए, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। क्या बहुत अच्छा वचन सुनाते थे इसलिए ये लोग मसीही कहलाए, जैसा आज हम लोग देते बहुत बढ़िया बढ़िया वचन सुनाते हैं। मुझसे कई लोग फोन करते हैं, जी आप उनको देखो जी, वो देखो जी कितना जबरदस्त वचन सुनाते हैं जी। तो मैं बोलता हूँ फिर क्या हुआ, अगर अच्छा वचन सुनाते हैं फिर क्या हुआ, जीवन बताओ मुझको। चाहे वो गहरे वेद ना जानता हो, चाहे वो इतना बड़ा ज्ञानवान भी ना हो, यदि उसका जीवन मसीही जीवन है तो खुदा को कबूल है। यदि सिर्फ ज्ञान इकट्ठा किया है लेकिन जीवन नहीं है तो ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया एक और आत्मा है, एक और मसीह विरोधी है जिसको मसीह करके कहा जाता है, ध्यान रखना, एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी, मसीह की तरह ही काम करता है, भरमावे में डालने वाला है, भरमाने वाला है, मुश्किल खड़ी करेगा। क्या बहुत अच्छा वचन सुनाते थे इसलिए मसीही कहलाए, ना। या बहुत करामाते दिखाते थे क्या इसलिए मसीही कहलाए, बिल्कुल भी नहीं। या बहुत बीमार चंगे होते थे इसलिए मसीही कहलाए, ना ये भी नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वचन के मुताबिक इन्होंने अपने जीवन को दिखाया, वचन सुनाया नहीं, वचन को अपने जीवन में दिखाया, वचन को दिखाना है। आज यही तो बीमारी लगी है, क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिल गया है, ऑनलाइन हो जाओ, उससे पहले गूगल पर चले जाओ, वहां से किसी का बना बनाया सब्जेक्ट उठाओ, इधर आकर हीरो बनकर लोगों में जाओ, व्यूवर बढ़ने लगते हैं, हमारा घमंड भी बढ़ने लगता है, कमेंट्स आने लगते हैं, हमारा घमंड बढ़ने लगता है। हमें ये गलतफहमी हो जाती है, मैं तो बहुत ज्ञानवान हूँ, देखो कितने लोग मुझको फॉलो कर रहे हैं। कई तो ऐसे हैं, मैं उनको देखता हूँ, बार बार पूछते हैं कितने हो गए जी, अब कितने हो गए हैं देखने वाले, तेरे को क्या लेना देना कितने हो गए हैं, तू खुदा की हजूरी में खड़ा है, चाहे सामने कुछ भी ना हो, पत्थरों पर वचन कर, पत्थर चीख चीख कर आगे गवाही देंगे, तेरे को क्या पड़ा है कितने हुए हैं कितने नहीं हुए हैं। मैंने इस अमेरिका में 2.5 साल सिर्फ 2 लोगों में सेवा की है, और उन 2 लोगों में भी ऐसे ही सेवा की है जैसे मेरे सामने 2 लाख बैठे हों। मैंने कभी ये नहीं सोचा 2 लोग बैठे हैं, चलो 10-15 मिनट सुनाता हूं काम खत्म करता हूं, ना। 2 ही ऐसे तैयार कर दो वो 2 लाख के बराबर हों, मजा तो तब है। 2 लाख हों लेकिन 2 के भी बराबर ना हो तो लानत है ऐसे 2 लाख लोगों के इकट्ठे होने पर। 2 ईमानदार पैदा करो, 2 धार्मिक जीवन जीने वाले पैदा करो, 2 वो जन पैदा करो जिनका रिश्ता परमेश्वर के संग बने, वो 2 लाख से भी कहीं उत्तम हैं, क्योंकि स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हैं। प्यारे अजीजो, ये लोग वचन के मुताबिक थे इसलिए ये मसीही कहलाए। इनका जीवन देखकर उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने मसीह को नहीं देखा था,
लेकिन इनके जीवन को देखकर उन्होंने माना। जिस मसीह को ये प्रचार कर रहे हैं, इनका जीवन बताता है वो भी ऐसा ही होगा। आज हम जिनमें वचन को लेकर जाते हैं, उन्होंने मसीह को नहीं देखा हुआ, लेकिन जो मसीह के हक में हम बताते हैं, यदि वही हमारे जीवन में देख लेंगे, तो फिर जिसने मुझे देखा उसने मेरे खुदा को देखा। जैसे यीशु मसीह ने कहा, फिलिप्पस तू क्यों कहता है कि मुझे खुदा दिखा, क्या तूने मुझे नहीं देखा? जिसने मुझे देखा उसने मेरे खुदा को देखा। ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। कोई कहे मसीह को दिखा, उसे बोले तू मेरे को नहीं देख रहा, तू मुझको जानता नहीं, तूने मेरे पहले जीवन को देखा नहीं, तू जानता नहीं मैं कितना घटिया और क्रूर था, मैं कितना गुनहगार था, तू मुझको कितनी देर से देख रहा है, अब तूने मुझ में वैसा देखा कोई काम, मैं कितना बड़ा ठग था, अब तूने मुझको किसी के साथ ठगी करते हुए देखा, मैं कितना चलाक था, तूने अब मुझको कभी किसी के साथ चलाकी करते हुए देखा, ऐसा मैं क्यों हुआ, मेरा ये जीवन कैसे बदला, मैं ऐसा क्यों बन गया? इसीलिए क्योंकि जो बदलने की कुदरत रखता है, मैंने अपने आप को उसके हवाले कर दिया है। प्यारे अजीजो, इन्होंने ऐसा किया, इसलिए ये मसीही कहलाए। हम लोग तो सोचते शायद ऐसे ही बस, आज हमारे कुछ भाई बहनों ने यही काम तो शुरू किया हुआ, और बहनों के भी ऊपर भी ज्यादा होते हैं, बहनों के ऊपर कमेंट भी ज्यादा आते हैं। मैं खुदा से माफी मांगकर कहता हूं, जो व्यू देखकर वो खुश होती हैं, मैं खुदा से माफ़ी मांगकर कहता हूँ, जो अपने वचन के मुताबिक जीवन को नहीं दिखा पा रही हैं, मैं खुदा से माफ़ी मांगकर कहता हूँ, व्यू सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि वो बहुत अच्छा वचन सुनाती हैं, व्यू इसलिए बढ़ रहे हैं कि जिस हालत में आकर वो वहाँ पर बैठती हैं, व्यूवर वैसे ही देख लेते हैं ये क्या कहने जा रही है, शायद वो बाद में वचन सुनते हों या ना सुनते हों, लेकिन देख रहे एक औरत है जो बन संवर कर बैठी है, देखते हैं, बस वो देखते हैं थोड़ी देर, फिर देखते हैं ये तो यीशु मसीह का प्रचार सुना रही हैं, फिर साथ ही बंद कर देते। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कितने पवित्र खुदा का वचन सुनाने वाली खुद कैसी है, बुरा लगेगा, छुरी की तरह दिल पर चलेगा, लेकिन सत्य है, सच्चाई है, भाग नहीं सकते। प्यारे अजीजो, व्यूवर की चिंता मत करो, व्यूवर कम होने जब शुरू होंगे ना, समझ लेना खुदा का फजल हो रहा है, समझ लेना सच्चाई में हो, क्योंकि जो तंग मार्ग पर चलने वाले हैं उनके पीछे भीड़ बहुत कम होती है, जो खुले मार्ग पर चलने वाले हैं लाखों लाख होते हैं, इसलिए बहुत कम हैं जो उस मार्ग को चुनते हैं। प्यारे अजीजो, जीवन दिखाया उन्होंने मसीह को, जैसा इन्होंने प्रचार किया वैसा अपने जीवन को दिखाया। इन्होंने प्रचार ही नहीं किया, वो गाली देख खाकर गाली देता नहीं था, इन्होंने सिद्ध किया, वो मार खाकर धमकी नहीं देता था, इन्होंने सिद्ध किया, इन्होंने अपने जीवन को पूरा वैसा करके दिखा दिया। लोग फिर जहां कलाम को सुने, वहां जिस कलाम ने इनके जीवन को बदला, कलाम और इनके बदले हुए जीवन, जिस कलाम की वजह से इनका जीवन बदला, मजबूर हो गए उस कलाम पर ध्यान देने के लिए, और वही कलाम बीज बनकर इनके लिए नए जन्म का कारण बना। हम तो सिर्फ कलाम सुना रहे हैं, ज्ञान गुण इधर उधर से इकट्ठा कुट्ठा करके लोग वाह वाह कर देते हैं, वाह इकबाल गिल जी धन्य हो, कैसा आपने महान कलाम सुना दिया, कैसा खूबसूरत कलाम। महान सुनाऊं, खूबसूरत सुनाऊं, वो तो महान है, खूबसूरत है, यदि उस महान की महानता मुझ में नजर नहीं आती, यदि उस खूबसूरत कलाम की खूबसूरती मुझ में नजर नहीं आती, तो किसी काम का नहीं। प्यारे अजीजो, मैंने कल भी बताया था, समय बहुत जल्द बीत जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है, एक आधे दिन में खत्म होने वाला नहीं। जैसा मैंने बताया था, लोग तो चुनरी को लेकर ही पकड़ कर बैठ गए, मैं चुनरी की बात नहीं कर रहा, लोग तो बहनों को लेकर ही बैठ गए, मैं सिर्फ बहनों की बात नहीं कर रहा, मैं तो हर मसीही की बात कर रहा हूँ जो नया जन्म पाने का दावा करता है, मैं तो हर मसीही की बात कर रहा हूँ जो बोलता है मैं पाकरू पाया हुआ हूँ, क्योंकि पाकरू का चिन्ह गैर जबान मुझ में काम करता है,
तो मैं बताना चाहता हूँ, गैर जुबान दुष्ट आत्मे भी बोलते हैं, गैर जुबान दूसरा आत्मा भी बोलता है। कैसे पहचानोगे? जीवन ही गवाही देगा। वचन सुनाने की बात करते हो, वो तो बहुत अच्छा वचन सुनाता है, बिल्कुल सुनाता है जी, हम कहाँ कहते हैं नहीं सुनाता है। मैं आपको ऐसे ऐसे वीडियो दे सकता हूँ, मेरे पास सेव किए हुए हैं, गैर मसीही लोगों के, और यीशु मसीह पर ऐसा ऐसा वचन दिया हुआ है। बड़े बड़े नामी प्रचारक भी वैसा प्रचार नहीं कर पाए, तो क्या आप उनको फॉलो करोगे फिर? अच्छा वचन सुनाना नहीं, ये तो ज्ञान इकट्ठा करना है, ज्ञान नहीं बचाएगा। उसके अनुग्रह में जो जीवन जियोगे, वो जीवन आप पर गवाही देगा, और वही जीवन आपको उस जीवन में लेकर जाएगा जिसे अनंत जीवन कहा जाता है। प्यारे अजीजो, प्रेतों के काम 11:24, क्योंकि वह एक भला मनुष्य था। क्या था वो? एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। क्यों आ मिले? नंबर एक, वो भला मनुष्य था, नंबर दो, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण था। ये खूबियां जब मसीह में लोगों को लेकर आएंगी, वो कभी मसीह का इनकारी नहीं होगा। चमत्कार दिखा कर ले आओ, चमत्कार होते रहेंगे, बना रहेगा। जिस दिन चमत्कार होना बंद हो गया, उसी दिन वो जाकर शनि देवता के मंदिर में बैठा मिलेगा, उसी दिन वो किसी मजार पर बैठा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो करामातों को खुदा मानता है, प्रभु यीशु मसीह को नहीं। चंगाइयों दिखा कर ले आओ, जब तक चंगाई होती रहेगी वो हालेलुया हालेलुया करता रहेगा। जिस दिन अगली बीमारी आई और चंगाई नहीं मिली, उसी दिन वो दूसरे यीशु को ढूंढने किसी मजार पर जाकर बैठेगा। क्यों? क्योंकि उसको यीशु मसीह से कोई मतलब नहीं, चंगाई के लिए आया था। चंगाई देता रहेगा तो हालेलुया, चंगाई नहीं देगा तो जहां पर बैठा है वहां की जय जयकार करेगा। लेकिन जो वचन को सुनकर और वचन के द्वारा बदले हुए जीवन को देखकर आएगा, वो मर तो जाएगा परंतु यीशु मसीह का कभी इनकार नहीं करेगा, क्योंकि वो आया था कलाम को सुनकर, वो आया था कलाम की अहमियत को सुनकर। और जो कलाम और कलाम की अहमियत को सुनकर मसीह में एक बार आ गया, आता तो देर से है, देर से आता है, इसमें कोई शक नहीं, देर से आता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ ऑफर नहीं ना लगी है। जो कलाम के द्वारा किसी को लेकर आएगा मसीह में, उसके साथ ऑफर नहीं, एक के साथ एक फ्री नहीं है। डिस्काउंट दे दो, एकदम से पूरे का पूरा स्टोर खाली हो जाता है। रेट बढ़ाओ, फिर पता चलेगा कदरदान कौन है। प्यारे अजीजो, वचन सुनाकर लोगों को लाना काम मुश्किल है, भीड़ ज़्यादा जमा नहीं होगी, लेकिन जो सुनकर आएगा, एक बार जो आ गया, मौत तक वफादार रहेगा। एक बार जो आ गया, फिर कभी मसीह का इनकारी नहीं होगा। एक बार जो इस तरीके से आ गया, वो अनंत जीवन का अधिकारी बनेगा। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कह दिया था, मारे मारे फिरते फिरते यीशु मसीह के पीछे आए, बोलते यीशु मसीह तुझे हमारी चिंता नहीं, हम तो तुझको ढूंढते थे। यीशु मसीह ने एकदम से पकड़ लिया, मेरे सामने झूठ बोलते हो, मुझे ढूंढ रहे थे? ना, तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे थे। आज भी वही हाल है। ये जो भीड़ें देख रहे हैं, ये मसीह को ढूंढने वाली भीड़ें नहीं है। इनसे बात भी करो, फट फटाफट कहते हैं, मैं तो गरीब था, मैं तो अमीर हो गया, मेरे पास कार थी, हेलीकॉप्टर मिल गया। इनके ये कभी मसीह की प्रशंसा नहीं करेंगे, मसीह की मिली हुई चीज़ों की प्रशंसा की गिनती सुनाएंगे आपको। यही पहचान है इनकी, इनका मसीह मसीह क्यों है? क्योंकि इनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता है, तुम मुझे नहीं ढूंढते, उन रोटियों को ढूंढते हुए आए हो जो मैंने 5,000 को खिलाई थी। तुम मुझे नहीं ढूंढते, उन मछलियों को ढूंढते हुए आए हो जो मैंने 5,000 लोगों को खिलाई थी। तुम मुझे नहीं ढूंढते, उन आशीषों को ढूंढने आए हो जो उनको मिली हैं। तुम मुझे नहीं ढूंढते, उन चंगाइयों को ढूंढने आए हो, बहुत कम हैं जो मुझको ढूंढते हैं। कलाम मुजस्सम हुआ, बहुत कम हैं जो कलाम को ढूंढते हैं, और जो कलाम को ढूंढते हैं, जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे।
और जो वचन के भूखे और प्यासे हैं वही नजात के अधिकारी होंगे, क्योंकि जो वचन से मोहब्बत करता है वो प्रभु यीशु मसीह से मोहब्बत करता है। जो वचन से मोहब्बत करता है वो खुदावंद खुदा से मोहब्बत करता है। जो वचन से मोहब्बत करता है वो यीशु से मोहब्बत क्यों करता है? क्योंकि लिखा है कि वचन ही मसीह यीशु है। और जो वचन से मोहब्बत करता है वो खुदा से मोहब्बत क्यों करता है? क्योंकि वचन खुदा के मुख से निकला हुआ है और वचन ही खुदा है। प्यारे अजीजो, कल मैं देख रहा था फेसबुक पर जलंधर का वाक्य है, झगड़ा कर रहे हैं शब्दावली, निकले हैं प्रभु यीशु मसीह के लिटरेचर को लेकर, लोगों में न्यू टेस्टमेंट बांट रहे हैं, कुछ हिंदू भाइयों ने रोक लिया, तकरार हो रही है, हिंदू भाई पूछ रहा है सिद्ध करो, तुम कहते हो कि यीशु मसीह भोलेनाथ से ज्यादा शक्तिशाली या बड़ा है, सिद्ध करो, सिद्ध करो यीशु मसीह क्या है, क्योंकि यीशु मसीह वो कह रहा है, यीशु मसीह ने तो कहा, वचन खुद कहता है, यीशु मसीह खुद कहता है मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, वचन कहता है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तुम सिद्ध करो कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो कह रहा है तुम सिद्ध करो, वो भाग रहे हैं, तुम क्यों निकले हो लेकर, क्यों निकले हो लोगों में यीशु मसीह को बेइज्जत करने के लिए क्यों निकले हो? मैं तकरीबन मसीहों के हक में हमेशा पोस्टें डालता हूँ, इसके हक में मैंने नहीं डाली, क्योंकि यहाँ पर मुझको अपने मसीहों पर गुस्सा आ रहा है, यहाँ पर उनको रोकने वाले हिंदुओं पर कोई गिला नहीं है, वो सही कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। वचन में लिखा जब तक ऊपर से शक्ति ना पाओ यरूशलम में ठहरे रहो, और यरूशलम में जब वो वचन के अनुसार ठहरे रहे, ऊपर से शक्ति पाकर जब निकले, दुनिया में कोई सामना नहीं कर पाया उसका, पलूस राजाओं महाराजाओं के सामने, फकीरों फरीसियों के सामने, शास्त्रियों के सामने डटकर मसीह यीशु को, प्रभु यीशु मसीह के वजूद को और उसके खुदा होने को सिद्ध करता है। और वो भाई पूछ रहा है तू सिद्ध कर दे बाइबल में से कि यीशु मसीह ने कहां कहा कि मैं परमेश्वर हूं। ये भाई जान छुड़ा कर भाग रहे हैं। उसने अगला ऑप्शन कर दिया, बोलता चलो मैं कह देता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर, तू बोल के बोले बोले शंकर परमेश्वर है। वहां पर भी इनके पास कोई जवाब नहीं था। ये अच्छी बात की है कि इन्होंने उनके भोले शंकर की जय जयकार नहीं की, इससे कुछ क्रिश्चियन लोगों को बड़ा बल मिला होगा, लेकिन ये बल वाली बात नहीं, बल वाली बात तो पहले ही है। वो कह रहा है कि मुझे बता, ये जो तू बांट रहा है ना, इसके मुताबिक बता कि यीशु मसीह परमेश्वर है। उसी में लिखा है यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन ये जो क्या कहते हैं इसको, कम ज्ञानी अधूरे ज्ञान वाले लोग अन्य जातियों में मसीह की निंदा की वजह बनते हैं। इनको बस आजादी मिल गई है, जिसको दो चार लाइनें आती हैं निकल पड़ता है मसीह को बेइज्जत करने के लिए। जब तक शक्ति ना पाओ, जब वो शक्ति आपके अंदर होगी, लिखा है बोलने वाले तुम नहीं पवित्र आत्मा होगा, और यदि ये लिटरेचर बांटने वालों में उसका रूह काम करता था तो इन्होंने सिद्ध क्यों नहीं किया कि यीशु मसीह खुदा का बेटा ही नहीं बल्कि खुद खुदा है, और जिसको बेटा कहा गया असल में वो है कौन, वहां पर ये गवाही देते, वीडियो बन रही थी वहां पर गवाही देते, औरों पर भी गवाही ठहरती, लेकिन ये वहां से जान छुड़ा कर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान को हासिल नहीं किया है, अन्य जातियों में निंदा का कारण बन रहे हैं, अन्य जातियों को इन पर हमला करने का मौका भी इसीलिए मिलता है। सवाल जब कोई करे जवाब बराबर होना चाहिए, मौत के अंजाम से मत डरो, घबराओ मत के ये क्या कर लेंगे, प्रभु हमारे साथ है, जवाब पूरा होना चाहिए। यदि निकले हो बात करने के लिए जवाब पूरा होना चाहिए। मुझको एक आदमी ने तहसील कंप्लेक्स में, जलंधर तहसील कंप्लेक्स में एक ब्राह्मण भाई ने मेरे साथ सवाल किया था, आप लोग कैसे प्रभु यीशु मसीह को इतनी इज्जत इतनी महिमा देते हो, क्या उसका वजूद है? बोलता एक कुंवारी के गर्भ से पैदा हुआ, पता नहीं किसकी संतान था ये, वो बहुत कुछ बोल गया। बोलता आप ही मुझको कह रहा है, आप ही अकल से काम लो और दिमाग पे जोर देकर बोलो, क्या ये मुमकिन है कि कोई कुंवारी बिना मर्द के किसी बच्चे को जन्म दे दे? बोलता आपका दिमाग खराब है। तो मैंने कुछ देर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा, तो फिर वहीं पर घिरा,
यहाँ पर हमारे भाई जान छुड़ा कर भाग रहे हैं, वहाँ पर वो भाई जान छुड़ा कर भागा था, वहाँ पर टाइपिस्ट चोपड़ा जी हैं, आई थिंक उसका बूथ नंबर 212 या 14 है, वहीं पर बैठे थे, कभी भी जाकर आप वहाँ पर कन्फर्म कर लेना, जान छुड़ा कर भागा था पंडित। किस बात को लेकर? मैंने बोला बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो कि ये मुश्किल है। मुझे बता कुंती के शेप पुत्र महाभारत में कैसे पैदा हो गए थे? यदि तेरे महाभारत में एक औरत के शेप पुत्र बिना मर्द के पैदा हो गए तो तू कौन होता है और तेरा वजूद क्या है कि मसीह के कुंवारी से पैदा होने पर तू उंगली उठा सके? तेरे महाभारत में एक ऋषि, खुदा की बात छोड़ दो, यहाँ पर तो लिखा है खुदा की महिमा के कारण खुदा का आत्मा तुझ पर छाया करेगा, सर्वशक्तिमान खुद इस काम को अंजाम देगा, तुम्हारे तो वहाँ पर ऋषि अंजाम दे रहा है। एक राजा जाता ऋषि के पास, बोलता मेरी पत्नियों को बच्चे नहीं हो रहे, दो पत्नियाँ हैं। वो ऋषि, खुदा नहीं ऋषि, ऋषि फल देता है, बोलता जा जाकर अपनी पत्नियों को खिला दे। वो दोनों पत्नियों को आधा आधा फल काट कर खिला देता है, दोनों पत्नियों के आधा आधा बच्चा पैदा हो जाता है, जाकर जंगल में फेंक आता है, वो दोनों आधे आधे बच्चे जुड़ जाते हैं, जिसको महाभारत में जरासंध का नाम दिया गया है। प्यारे अजीजो, निकलना है तो पूरी तैयारी के साथ निकलो, वरना मसीह को बदनाम करना बंद करो। पहले तो हम आपके संरक्षण में आते थे जब आपको मार पड़ती थी, अब आपकी खिलाफत में आएंगे, खुद हिंदुओं के साथ खड़े हो होकर आपकी पिटाई करवाएंगे, क्योंकि आप हो वो जिनके कारण मेरे मसीह की निंदा होती है। निकलो पूरी जुर्त के साथ, पूरे वचन को लेकर, पूरे अधिकार को लेकर, और ऐसों का मुंह बंद करने की जुर्त रखो, फिर निकलो, वरना मसीह के लिए निंदा का कारण मत बनो, मत बनो निंदा का कारण। बहुत कुछ सीखना है, सीखते जाएंगे। खुदा से दुआ करें मुझको टाइम मिलता रहे, ये विषय लंबा चलेगा, गैरत का विषय है, समझ में आ गया तो बहुत उन्नति और तरक्की करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावन खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने अपने आत्मा के द्वारा हमको अपने वचन को सीखने का मौका दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने सुना सब पर तेरे बड़े रहम को मांगता हूँ, जो आगे भी सुने उन पर भी तेरी बड़ी आशीष हो, तेरी बारीकियों को जाने, तेरे आत्मा की सामर्थ्य को पाएं और तुझे ही सब कुछ मानकर इस जहान में चलें और तुझे अपने जीवन में दिखाने वाले बने। खुदावन, सिर्फ बहनों के लिए हम नहीं बोलते, बल्कि हर मसीही के लिए ये वचन है, क्योंकि उसमें ना कोई नर है ना कोई नारी है, ये सब के लिए है और सभी को इसे फॉलो करना चाहिए। मेरी इस प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन। प्यारे अजीजो, खुदा आप सबके साथ हो। खुदावन खुदा ने चाहा तो हम इस विषय को कल फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए दुआ में बने रहें। अगर कोई बीच में कोई तब्दीली आएगी तो आपको पहले एडवांस में बताया जाएगा, वैसे खुदावन खुदा ने यदि चाहा तो हम सेम टाइम पर कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा आप सबके साथ हो, मेरे लिए मेरे खानदान के लिए प्रार्थना करते रहें। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे, सबको जय मसीह की।